पारादीप षंडकूद नदी में माछ मड़क भासुछन्ति विभिन्न प्रजातिर क्विंटाल क्विंटाल माछ तेबे माछ मड़कर कारण अस्पष्ट थिबाबेले केही दुर्वृत्त विष पकाई माछ मारि देथिबा अभियोग होईछि। एने अभचांदपुर थाना अभियोग होईछि। घटना घटिछि पारादीप तैल विशोधन गार पाचेरी पार्श्वरे रहिथिबा षंडकूद नदी में। एहि नदी में विभिन्न प्रजातिर माछ खंगा भेकटी विभिन्न प्रजातिर चिंगुड़ी लाइलन टीका बालुगुड़ी डेमो पटेई हरकुरा सहित अन्य प्रजातिर मला माछ प्रायतः एक किलोमीटर व्यापी नदी में भासुवा देखापी मिली। स्थानीय गोठडिया गांव प्रायतः 500 अधिक परिवार पीढ़ी पर पीढ़ी एक नदी में माछ मारी निजर परिवार गुजरान मेंटाई थांती। तेबे नदी को स्थानीय काबुलपुर गांव जने व्यक्ति को लीज्रे प्रदान करा किंतु ग्रामवासी निष्पत्ति क्रमे संप्रक्त व्यक्ति को लीज नदे ग्रामवासी मिलित भाव में माछ मारिबा निष्पत्ति नहीं तेणु प्रतिशोध परायण हो विभिन्न समय धमक चमक देउथिबा नै ग्रामवासी अभियोग करिछन्ति। आउ से ही एभली कांड भियाईवा अभियोग होईछि। आमे संदेह करूचु ये आखपाखे बुलाबूली करूवा काबलपुरीर श्री बाबुली माझी से बोध आमको केते थर ए बाबद थेटिन देते 15 दिन मध्य ए आखपाखे बुलबार लोक देखी कारण से दीर्घ 4 वर्ष धरी घेरी करूले ए बर्ष घेरी नदबारु से प्रतिशोध परायण हो घेरी रे ए असामाजिक कार्य करिसंती बोले आमे अनुमान करूछु। ग्राम रे बसिकरी आमे निष्पत्ति नेलु ये जिनस जो करा जाइछि माछ मारि दैछि तापर एक्शन नबु। आमे मध्य थाना रे जिनस अभियोग करिछु। अभियोग कला परे आमे जो 500 परिवार ए नदी उपरे चलुथुलु वर्तमान आमे सब निशय हे रहि जाइछु। कोलाहांडी जिले में चली बेआईन जंतु शिकार। जिलार कोक्सरा ब्लक साहाजखोल जंगल में बेधड़क शिकार दुई शिकारी गिरफ करने सहित अन्य संप्रक्त को खोजुची पुलिस। एक घटन छत्तीसगढ़ लिंक थिबारु छत्तीसगढ़ टीम मध्य सामिल होई। कोलाहांडी जिले में गत किछि दिन हेला बेआईन बंदूक कारबार एवं जंतु शिकार घटना सामना को आसी छत्तीसगढ़ लिंक रही सूचना मिली। एही क्रम रे रविवार धर्मगढ़ रेंज अधीनस्थ साहाजखोल जंगल पाददेशर थिबा खलीगढ़ गाँव में कोलाहांडी वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ गरियाबंद वन विभाग पक्षरु चढ़ाऊ करा जायछि। एही चढ़ाऊ समय रे दुई जन शिकारी को गिरफ करिछि वन विभाग। सेमानक ठारु 6 गोटी देशी बंदूक सह जंगली बाराहार मुंड हाड़ और कंकाल सह विभिन्न शिकार पई व्यवहृत सामग्री जबत होइछि। वर्ष वर्ष धरिक लुट तराज वन्य जीवन जंगल को ध्वंस कलापर आज गोटे आखि दृश्या से गिरफ्तारी करते आपण मानक स्मरण कर देवा चाहूँगी विगत दिन में यही विषय को नहीं करी आम पदयात्रा करूँ रास्तारोक कर आंदोलन करूँ किंतु सरकार चेहला नहीं लोकाल अधिकारी चेहले नहीं। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट अच्छी नियम कानून अच्छी किंतु तापर भी जदि आम पाखे जनसचेतनता ना मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट निजे एत सक्षम संपूर्ण नुह ये सब प्रकार तुम प्रतिरक्षा सब प्रकार पदक्षेप नहीं पार ये निश्चित भाव में पब्लिक पार्टिसिपेशन दरकार अच्छी गाँव मानक जदि सचेतनता सृष्टि हुए एवं गाँ गाँ लोक जदि जंतु मान सुरक्षा देवाई आगभर हे ते भाव शिकारी मान कौन साहस हे ना। कोलाहांडी जिला जयपटना रेंज मंगलपुर गाँव में शिकार करने बेआईन देशी बंधुक या खबर प्रथमे छत्तीसगढ़ उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व आंटी पोचिंग स्क्वाड खबर पाई चढ़ाऊ करथिला आउ एथिरे सामिल होइथिला कोलाहांडी वन विभाग सेठारु 3 जन शिकारी को गिरफ करबा सह सेमानक ठारु हरिण सिंह बाघ दांत एवं बंदूक तयारी मशीन जबत करथिला एही दुई राज्यर स्वतंत्र टीम। सेहिपरि छत्तीसगढ़ गरियाबंध वन विभाग मध्य सेही अंचल रे 40 शिकारी को गिरफ करथिबा बेले अधिकांश शिकारी कोलाहांडी नवरंगपुर एवं नुआपड़ा जिल्लार बोली छत्तीसगढ़ गरियाबंध वन विभाग उपनिर्देशक सूचना दैछन्ति। डेफिनेटली लिंक अच्छी ये माने जो बंदूक सोर्स करछंती तो जो माने तैयारी करछंती जो मंगलपुर जो रेडी थिला सेतरे जो हमें जो खबर पाइछो सेतरे एक्चुअली बंदूक तैयारी होछि इलीगल गन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिवो सो दैट हमें चेयरर ताको केमती इलीगल गन सप्लाई और विथ वाइल्ड लाइफ कोचिंग केमती हमें ताको बाहर कर दे परिवा ए भी हमरो अंचल रु ताको विषय रे चेष्टा चल चली। हमने जो है पता किया उसके बाद हमने अभी जो भालू का एक खाल मिला है अभी यहाँ पे कोयबा में जो साल खपरी का जो अवैध शिकार हुआ था उसमें भी जो है एक भरमार बंदूक हमने जब्त किया तो इनसे जो कथन अनुसार इनको जो है झरी गांव तरफ से जो है कहीं उड़ीसा से ये हथियार लाए जा रहे थे। कोलाहांडी जिला रो विभिन्न जंगल रे दीर्घ दिन रु बेआईन जंतु शिकार चली थी बर्तमान एक्शन मोड रे रही कोलाहांडी वन विभाग
छत्तीसगढ़ वन विभाग एवं कलाहांडी वन विभाग मिलित उद्यम चढ़ाऊ जारी रही। कलाहांडी अंशुमान पात्र न्यूज 18 ओडिया। चाषी मुहरे हस फुटाइला मौसुमी। पुरी रे चाष कार्य आरंभ हेबा सहित एहाकु नै चाषीक मध्यरे देखिबा पई मिलिछि नुआ उत्साह। किए धान बुणुछि तो पुणी किए तळी पकाइबारे व्यस्त। विलम्बरे मौसुमी आसीथिले बि एथरो भलो फसल हेबा नै आशा रखिछन्ति चाषी। कृषि प्रधान अंचल भाबे परिचित पुरी जिल्ला, एठाकार अधिकांश लोक चाष उपरे निर्भरशील। तेबे चलित वर्ष मौसुमी बढ़ाइथिला चिंता। वर्षा विलंब जोगु हेक्टर हेक्टर चाष जमी पाई प्रस्तुत होइथिबा तळी पानी अभावरु पोड़ी नष्ट होइ जाइथिला। एपरिकि चलित वर्ष चाष कार्य बाधाप्राप्त होबार आशंका सृष्टि होइथिला। तेबे विलंबरे हेले बि मौसुमी आसिबा सह किछि दिन हेला भल वर्षा होइथिबारु चाषीक मुहरे हस फुटिछि। चाष जमी प्रस्तुत करि चाष कार्य आरंभ करिछि चाषी। मौसुमी तो नथला एबे तीन दि दिन तीन दिन मौसुमी आसिबारु टिके वर्षा अल्प होबारु हेउछि। तपर आमे तळी आउ टिके पानी फानी जोटि टिके न होइछि कळ फळे पानी भइकि तळी फळे पकाइ टिके उत्साह अछु आउ कोन एने तळी पडिव सिन वर्षा जदि ठीक ठाक रहिव त ठीक चलिव न होले घाट रे पडिव कोन पानी बहा चलिव ओरि तारि पानी हेले त सुविधा होय न जैसे ये वर्षा पानी के कोन समस्या कहिया करु छन कि तब रे केनाल पानी जदि आसी सुविधा होय। वर्ष वर्ष धरि चाष कार्य करि परिवार चलाउछन्ति हजार हजार चाषी। तेणु एथर बि चाष प्रभावित हेले कोन हेबो ताकु नै चिन्तारे थिले। हेले विलम्बरे आसिले बि मौसुमी चाषीक पई आनिछि आश्वस्ति। मौसुमी वर्षा ठीक रहिले एथर भल चाष हेबो बोली चाषी आशा रखिछन्ति। चाष कार्य जेभली अवस्था ठीक अछि वर्षा कोनसि व्याघात करनी अनुकूल परिवेश ये जो चाषर जो मेसीन फेसीन बाहर द्वारा वैज्ञानिक पद्धति चाष हो द्वारा चाष पर आहरी आग अपेक्षा भल अमल आम पाइपु विशेष भाव में अमल अधिका पाइपु ताद्वारा आम लाभान्वित हो पार आगे भाई मौसम जब रोक चाष ठीक ठाक रोक चाष किसी असुविधा नहीं आज तो तली पड़ी आगे चाषी मानकर टाइप मौसम रहा है ठीक ठाक निश्चिंत चाष रही मौसम किसी प्रोब्लम है कि वर्षा असुविधा है तेल चाष निश्चिंत क्षयति हम ना बर्तमान तो चाष मौसम ठीक समय ठीक समय चाष हो पा। मौसुमी वर्षा को नहीं उत्साहित चाषी एथर बंपर फसल नहीं आशा रखिछन्ति। पुरी जिला पिपिली रुदेवासी सिंगरायन न्यूज 18 नोडिया। फाइव टी सचिव भिके पांड्यान गस्त को नहीं आपत्ति उठाई विरोधी। याकु नहीं राज्य सरकार को टार्गेट करिछन्ति उभय बीजेपी एवं कांग्रेस। बीजेपी सांसद सुरेश पूजारी कहते फाइव टी सचिव राजकीय गस्त ओडिशा राजनीति में नुआ अध्याय सृष्टि कर एथिपाई फाइव टी सचिव को मुख्यमंत्री अनुमति देछंती कि जदि अनुमति देछंती तेबे केऊ आईन बलरे देछंती ताहा स्पष्ट करबा पई दाबी करिछंती सुरेश। सेबरे कांग्रेस मुखपात्र सुदर्शन दास सांबादिक सम्मेलन करी कहिछंती जे फाइव टी सचिव जेमिति घन घन जिला गस्त करबा सहित विकास कार्यर समीक्षा करुछंती प्रकल्प घोषणा करुछंती ताकु देखिले राज्यवासी द्वंद्वरे पडुछंती। प्रकृतरे मुख्यमंत्री किए बोली राज्यवासी प्रश्न करुथिबा कहिछंती सुदर्शन। कांग्रेस ए प्रसंगरे बीजेपी को मध्य समालोचना करिछि जमीति पश्चिमबंगे तत्कालीन मुख्य शासन सचिव को केन्द्रीय डेपुटेसन में नहींगले सेमिति फाइव टी सचिव क्षेत्र में केन्द्र से क्षमता प्रयोग करी सुदर्शन कहते विरोधी को जवाब दे राजस्व मंत्री प्रहलाद मल्लिक कहते मुख्यमंत्री और मंत्री निर्देश में सचिव मैंने कार्य कर आम सरकार कौन सचिव कौन कार्य ओभरटेक् करना जे सचिव ये सबू कार्य मुख्यमंत्री दायित्व नहीं कर मुख्यमंत्री भाया करी ओडार दीदी सांसद एवं विधायक मैंने सभा समिति आयोजन करेंगे पचर ठीक ढड़ा होकर ताली मारे मत लगे गणतंत्र प्रति उपहास आपत कथा कहते गणतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करदे आपण हाथ में चुट्टी अच्छी ना आपण धरंतु ताकु चुट्टीटा को आपण चुट्टी धरिबेनी एपटे लोकंक आगरे भलेई हेबे मंत्री मुख्यमंत्री निर्देश दियंती ब्युरोक्रेट कार्यकारी करंती एठी मते सेया होची माननीय मुख्यमंत्री निर्देश दउचंती ब्युरोक्रेट माने ता कार्यकारी करचंती। फाइव टी सचिव भिके पांड्यान को जिला गस्त को नै विरोधी आपत्ति उठाउथिबा बेले मुख्यमंत्री देइचंती ऑडियो वार्ता। बरगड़ गस्त बेले फाइव टी सचिव लोकंक सुनाइचंती मुख्यमंत्री को सेई ऑडियो वार्ता। बरगड़ में मिशन शक्ति कार्यक्रम में फाइव टी सचिव मोबाइल फोन जरिया मुख्यमंत्री देखा बार्ता को लोकमान शुणाई जो मुख्यमंत्री कहते सचिव पांड्यान बाबू को पठाई
ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ 5 ସଚିବଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଧାନ କରିବେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। 5 ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଯାହାକୁ କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନକେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ବହୁତ ଜୁହାର। ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଭଲ କାମ କରୁନ, ମୁଇଁ ଆପଣ ମାନକେ ସାହାଯ୍ୟ କର୍ମି। ମୁଇଁ ମୋର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକେ ପଠାଇଛନ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝବାର ଲାଗି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝବାର ଲାଗି। ମୁଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ଦୂର କର୍ମି, ସମସ୍ତଙ୍କେ ଜୁହାର। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଆୟୋଜିତ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ 9 ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବଖାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ସମାଲୋଚନା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏଠାକାର ଯେପରି ଓଲଟା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ମୋଦି ସରକାର ଖଣି ରାଜସ୍ୱକୁ 50,000 କୋଟିକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଲାଭ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସଭା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଛେଣ୍ଡିପଦା ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉନି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କର କଥା ନ କହିଲେ ତ ଭଲ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ୟାକୁ ବଦଳେଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର, ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପର ଦେଖିବା। କମିଂ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। କୁକୁର ଓ ମାଙ୍କଡ଼ର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଲଟିଲା ଉଦାହରଣ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଦୁପୁର ହରିହାଟ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ସମାଜକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା। କମିଂ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। News Network, News ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସରକାରୀ ବସ୍ ସହ କନ୍ୟାଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ମହିଳା ଏବଂ 2 ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଶିବାନୀ ପ୍ରଧାନ, ରୂପାଲୀ ପ୍ରଧାନ, ସୁଜ୍ଞାନୀ କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ, ସଙ୍ଗୀତା ଡାକୁଆ, ଲିତୁ ନାୟକ, ତ୍ରିପତି ପ୍ରଧାନ, ରମେଶ ପ୍ରଧାନ, ସୀତାରାମ ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ଜୟ ମେଦିନ ରୟ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ, 3 ଶିଶୁ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ 1 ଶିଶୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାରୀରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା ସରକାରୀ ବସ୍। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ କନ୍ୟାଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ସାନଖେ ମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡି ଦେଉଳି ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲା ଘରୋଇ ବସ୍, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଭିନ୍ନ। ଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜ ନିକଟରେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ବସ୍ ସହ କନ୍ୟାଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଯେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଆହତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦିଆଯିବ ସହାୟତା ରାଶି।
ଆହତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଯିବାକୁ